सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन अ सिंगल लैंग्वेज। मेरे हिसाब से आप कुछ भी चालू कर सकते हो, लैंग्वेज इतनी इशू नहीं होती। बस ये ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। आपको छोटी छोटी या बिग बिग प्रॉब्लम्स, छोटी या बिग प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो दी जाएंगी, ठीक है, कंपनी के अंदर। यू हैव टू सॉल्व इट। हाय एवरीवन, नमन दिस साइड। आज हम बात करते हैं कि 12th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ें नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच ऑसम वीडियोज़। सो बात करते हैं कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोग फोन के अंदर ऐप्स चलाते हो या लैपटॉप चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, सारी चीज़ें जो होती हैं, ऐप्स हो गई आपकी, आपकी विंडोज़ हो गई, या आप अगर मैक यूज़ करते हो मैक के अंदर सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऐप्स हो गई, ये सब, ये जो भी बनाते हैं ना, ये सारे जो काम है, दैट इज़ द वर्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सारी डेवलपमेंट, आप जो वेबसाइट चलाते हो, जो आपकी कॉलेज की वेबसाइट है वो भी एक डेवलपर ने बनाई होगी, ये जो MS Word या कोई सी भी एप्लीकेशन जो भी आप सारी यूज करते हो, दैट इज ऑल डन बाय अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सारा काम जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, फोन की डेवलपिंग सब कुछ, ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब इसके बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द पाथ, या हम क्या चूज करें आफ्टर 12th, इसके ऊपर आराम से ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, कंप्यूटर्स के अंदर घुसने के लिए, सबसे पहले 12th के बाद यू कैन स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ कोर्सेस। अगर आपके पास PCM है तो यू कैन स्टार्ट विद कंप्यूटर साइंस, किसी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो आप, BTech करो या फिर डिप्लोमा कर लो, BSc कर लो इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आप कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है द स्टूडेंट हु हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ PCM कैन गो इन टू ऑल दीज थिंग्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले कोर्स लो जो भी रेलिवेंट कोर्स है, क्योंकि अगर आप कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग अ डिग्री, एक कोर्स, रेलिवेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो उसके ऊपर देख लेना कि आपको क्या लेना है, वॉट इज सूटेबल फॉर यू। BSc लेनी है, BSc के बाद MSc करनी है, डिप्लोमा कोर्स लेना है, BTech लेना, फॉर बेटर ऑप्शंस। अगर आपके पास PCM है तो प्लीज़ गो फॉर BTech, क्योंकि BTech के अंदर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर काफ़ी कोर सब्जेक्ट्स को हिट कर सकते हो और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। जो हम करंट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, जो भी मार्केट में अभी चल रहा है उसके रिलेवेंट, कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड कोर्स इफ यू टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले एक अच्छा सा कॉलेज लो, अच्छे से कॉलेज के अंदर एक अच्छा सा कोर्स करके घुस जाओ उसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। ये तो बात हो गई कि कहाँ से स्टार्ट करना है 12th के बाद। नाउ कमिंग ऑन टू कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीज़ें वो करता है, जैसे हो गई टेस्टिंग के अंदर आप जा सकते हो, डेवलपिंग के अंदर जा सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन अ सिंगल लैंग्वेज, है ना। कोई लैंग्वेज पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल C++, C#, जावा, पाइथन, जो भी आपको पसंद है, एक लैंग्वेज स्टार्ट करो, लैंग्वेज के ऊपर काम करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप कुछ भी चालू कर सकते हो, लैंग्वेज इतनी इशू नहीं होती, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है या कंपनी जो मांगती होती है, कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट दैट कंपनी इज रिक्वायरिंग, ठीक है। आपको छोटी छोटी या बिग बिग प्रॉब्लम्स, छोटी या बिग प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो दी जाएंगी, ठीक है, कंपनी के अंदर। यू हैव टू सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे सकते हैं कि अभी माई वेबसाइट कैन हैंडल ओनली 50 यूजर्स एट अ टाइम, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, 51 आते ही द साइट इज गोना क्रैश। दे कैन गिव यू अ प्रोजेक्ट कि हमें ये जो वेबसाइट है इसको स्केल करना है, इसको अप स्केल करना है, यानी 50 से मैं 100 पे जाना चाहता हूँ या 500 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू हैंडल। और ये सब किससे आएगा, जब तुम अच्छे से कोर्स करोगे प्रोग्रामिंग के बारे में, कोर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लोगे, ठीक है। द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू हैंडल, ठीक है। आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स अच्छे से आने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या करो, सबसे पहले कोर्स लो। कोर्स के बाद द फर्स्ट स्टेप शुड बी पिक अप अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज पिक करो, लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्लोर करो कि लैंग्वेज में क्या क्या है,
क्या क्या सिखा रही है लैंग्वेज, क्या क्या उसके कोर कॉन्सेप्ट है वो सीखो। जब तुमने ये कर लिया कि तुम्हें एक लैंग्वेज अच्छे से आ गई, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब चालू होती है वो ये है कि ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लो, इट्स सब चाहते हैं कि एक बड़ी कंपनी में जाए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब तुम बड़ी कंपनीज में जाते हो तो वो तुम्हें सिर्फ पर्टिकुलर ऐप्स या पर्टिकुलर टूल यूज करवाते हैं, ठीक है। वो तुम्हें एक ओवरऑल नॉलेज नहीं देते, उनका कुछ सेट ऑफ टूल्स होता है, तुम उसी को यूज कर पाते हो। बट व्हेन यू विल बी डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है, या खुद किसी कंपनी के लिए ऐसे या अपने पर्सनल बेसिस पे काम कर रहे होंगे, तो आपको खुद बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द बैक एंड। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, बट व्हेन यू विल गो इन अ बिग कंपनी, हो सकता है तुम्हें सिर्फ बैक एंड का एक छोटा सा टूल दिया जाए काम करने के लिए, तो तुम्हारी ओवरऑल लर्निंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर पिकिंग योर कोर्स, आफ्टर लर्निंग अ लैंग्वेज, क्या करो कि कहीं से एक प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है। अच्छा सा प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट का आउटकम देखो कि प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे में अच्छा लगेगा या नहीं, ठीक है। तो कोर्स करने के बाद एक अच्छा सा प्रोजेक्ट पे हैंड्स ऑन, एक प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट पे काम करो, जिससे तुम्हारा अंदर का एंथुजियाज्म भी बढ़े कि या तुमने कुछ डेवलप किया है, तुम्हारा खुद का प्रोडक्शन है, ठीक है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुमसे सीखोगे, जैसे हो सकता है कि तुम्हें काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी होता है कि लाइब्रेरी नहीं चल रही होती हैं, कभी कभी होता है कि तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है, कि तुम इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एरर्स आएंगी, मल्टीपल एरर्स, हो सकता है तुम्हारे सर्टिफिकेट्स के अंदर कोई एरर हो, या सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है कुछ, तुम्हें गिटहब खूब देखना पड़ेगा, तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी। और इससे तुम्हारा पता है क्या होगा, मेन चीज़ ये होगी कि सॉफ्टवेयर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, कि तुम्हें अपना एरर कैसे पूछना किसी और से, या क्या चीज़ सर्च करनी है, एग्जैक्टली तुम्हारा इश्यू क्या है। तुम जब ये सब चीज़ें सर्च कर पाओगे, देन यू गोना बी अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि मेरे को एक ऐप बनानी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसको डीबगिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। डीबगिंग स्किल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोड दिया, ये कोड चल नहीं रहा है, तो तुम उस कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक करना है कि उसके अंदर गलती क्या है वो पकड़नी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये नहीं होता कि मैंने तुम्हें एक प्रोडक्ट दे दिया कि तुम अच्छा वो वेबसाइट या जो भी है बना के ले आओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि प्रॉब्लम से लड़ना, तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ये प्रॉब्लम दी, तुम वो सॉल्व कर पाए। तो जब तुम्हें ये ओवरऑल सेंस आ जाएगा ना, यू गोना बी अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तुम ट्वेल्थ के बाद आराम से परस्यू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम इंजीनियरिंग ही लो कंप्यूटर साइंस में, आई मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है कि तुम इंजीनियरिंग परस्यू करो, तुम बीएससी करके डिप्लोमा कोर्स करके यू कैन गो ऑन। बहुत बच्चे होते हैं जो कॉमर्स के होते हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ बिकॉज उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लैंग्वेज चूज करो, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लो, तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, प्रोजेक्ट्स डेवलप करो जिससे तुम्हारा रिज्यूमे बिल्ट हो, और फिर रिज्यूमे बिल्ट होके यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ आई मीन अप्लाइंग टू द कंपनीज। रेलेवेंट कोर्सेज रखना, बस द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज कि रेलेवेंट कोर्सेज, वर्क ऑन रेलेवेंट कोर्सेज, जैसे बीएससी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, या बीटेक कर ली तुमने कंप्यूटर साइंस में या रिलेटेड फील्ड के अंदर, आईटी के अंदर, बस इन सब चीज़ों से जुड़े रहो, एक कोर्स परस्यू करो, एक लैंग्वेज अच्छे से करो, और वर्किंग सीखो, अपने कलीग के साथ कोलैबोरेट करो, एक स्टार्टअप के ऊपर बात करो, आजकल तो स्टार्टअप का काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक अच्छा सा वो देखो अपॉर्चुनिटी, और अपना जो भी है एनर्जी या फिर जो भी तुम्हारा डेवलपमेंट है सब उसके अंदर इन्वॉल्व करो, सब कुछ अच्छे से, एंड यू गोना मेक इट, आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें हैं। इसके अलावा जो तुम्हें स्किल्स रिक्वायर्ड है, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी तुम्हारी, और इसके अलावा तुम्हें थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट्स तुम साथ के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। लर्निंग कभी हमें रोकनी नहीं है, जब भी हम कभी भी बैठ रहे काम करने के लिए, तुम्हें अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और प्लस तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आसान चीज़ नहीं होती। दिस इज़ द ओनली रीज़न ये इंडस्ट्री काफ़ी पे करती है तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा पे होता है साल का,
एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज पे अच्छा है, तो ये ऐसे नहीं मिलता. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू हैव योर गुड शेड्यूल. ठीक है, तुम अच्छे से इन्वॉल्व होने चाहिए चीज़ों के अंदर. ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जॉब के लिए, नॉट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली, ये हर चीज़ के लिए. तुम्हें पूरे एंथो के साथ काम करना है अपना. अगर तुम ये नहीं करोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं. एवरीवन वांट्स अ गुड जॉब, सबको अच्छी जॉब चाहिए. तो तुम्हें अच्छा बनने के लिए तुम्हें लोगों के बीच स्टैंड आउट करना है, और स्टैंड आउट करने के लिए यू हैव टू कीप योर गुड क्वालिटीज सबके सामने. टेबल पे तुम्हें अपनी गुड क्वालिटीज रखनी है. गुड क्वालिटीज कैसे रखोगे? इन कंपनीज में जाने के लिए आपकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. टेक्निकल स्किल्स पे काम करो. टेक्निकल स्किल्स यानी प्रोग्रामिंग और तुम्हारा वर्क एक्स. वर्क एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने क्या काम कर रहा है, क्या डेवलप किया है, क्या तुम्हारा रोल था, तुमने क्या चीज़ सॉल्व करी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व्ड. इससे तो यू कैन गो इन गुड कंपनी, डिसेंट कंपनी. अगर तुम एक अच्छी कंपनी टारगेट करनी है तो यू कैन स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करो, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर पूछते हैं अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट दैट यू डिड. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ गुड प्रोजेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर्स कैन लैंड इन योर ड्रीम कंपनी. छोटा सा मंत्र है, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए और कोर कॉन्सेप्ट्स, और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, एंड यू कैन लैंड इन योर ड्रीम कंपनी. तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत पेशेंस के साथ आती है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, पेशेंट रहना पड़ेगा. बट ट्वेल्थ के बाद ये चीज़ अचीवेबल है. नॉर्मल से कोर्स के बाद यू कैन जस्ट प्रैक्टिस and you're good to go. तो ये था ओवरऑल 12th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनता है. बहुत ईजी सा है, बहुत ईजी, मैंने बहुत ईजीली बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये पाथ ईजी होने वाला है. आपको पेशेंस से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अचीव दिस. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो. अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आया या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो डाउन साइड एंड I'll surely I'll reply. Thank you guys and hope you like this video. Please share karna, subscribe karna. Okay.